हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय आलोक कुमार यादव। आज का हम इस ऑनलाइन वीडियो में इंटरमीडिएट के इंग्लिश से रिलेटेड रेफरेंस एंड कांस्टेंट एंड एक्सप्लेनेशन के बारे में बताएंगे। और हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेनेशन किया और यहाँ पे भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो वीडियो को समझने के लिए अंत तक ज़रूर देखें, लाइक करें, यदि समझ आए तो शेयर करें अपने मित्रों तक। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, एक्सप्लेनेशन फ्रॉम चैप्टर टू ए फेलो ट्रेवलर। दिस इज द पैसेज जिसको हमको रेफरेंस एंड कांस्टेंट एंड एक्सप्लेनेशन करना है। तो आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर आप इसको पूरा यहाँ लिख लीजिए यहाँ तक, और हम इसी का एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस और कॉन्टेस्ट करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं रेफरेंस की तरफ। सबसे पहले हमको रेफरेंस लिखना होता है, तो हम बढ़ते हैं रेफरेंस की तरफ। रेफरेंस, तो अब हम यहाँ देखते हैं रेफरेंस कि कैसे हम लिखते हैं रेफरेंस। दीज लाइन्स हैव बिन टेकन फ्रॉम द लेसन ए फेलो ट्रेवलर रिटन बाई एजी गार्डनर। तो हमें यहाँ पे संदर्भ लिखना होता है, रेफरेंस का हिंदी होता है संदर्भ। तो यहाँ पे हमें पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना होता है। ए फेलो ट्रेवलर ये है लेसन का नाम, एजी गार्डनर ये है पाठ के राइटर का नाम। दीज लाइन हैव बिन टेकन फ्रॉम द लेसन, अर्थात ये पंक्तियाँ लिया गया है ए फेलो ट्रेवलर से, रिटन बाई एजी गार्डनर। और अब बढ़ते हैं हम कॉन्टेस्ट की तरफ। कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट का अर्थ होता है प्रसंग, अर्थात जो हम एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे वो हम संक्षेप में यहाँ पे लिखें। द ऑथर वाज मच एंग्री विद दिस मॉस्किटो, इन दिस लाइन ही शोज हिज एंगर फॉर द मॉस्किटो। अर्थात द ऑथर राइटर अर्थात लेखक वाज मच एंग्री विद दिस मॉस्किटो, उस मच्छर से बहुत नाराज था। इन दिस लाइन्स ही शोज हिज एंगर, और इन पंक्तियों में वह अपना गुस्सा दिखाता है, एंगर क्रोध फॉर द मॉस्किटो, मच्छर के प्रति अपना गुस्सा दिखाता है। तो आप लोग इसे लिख लें या फिर एक स्क्रीनशॉट कर लें और लाइक कर दीजिए वीडियो को यदि समझ आ रही है तो। तो ये रहा एक्सप्लेनेशन अर्थात व्याख्या, एक्सप्लेनेशन। द ऑथर वाज एंग्री विद द मॉस्किटो, अर्थात लेखक मच्छर से बहुत ज़्यादा नाराज था। ही सेड दैट ही वॉज नो मोर लिबरल टू ईट, वह अब और इसको सहन नहीं कर सकता। काइंडनेस हैड इट्स लिमिट, दयालुता की भी कोई सीमा होती है। ही इज फर्दर सेड, उसने आगे कहा डैट कि ही हैड टू टाइम्स टोल्ड द मॉस्किटो, उसने मच्छर को दो बार बताया है डैट कि ही वॉज एन इम्पॉर्टेंट पर्सन, कि वह एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है पर्सन। एंड ही वुड नॉट टॉलरेट, वह अब और सहन नहीं कर सकेगा द इंसल्टिंग बिहेवियर, एक असम्मानजनक व्यवहार ऑफ एन अननोन बींग लाइक द मॉस्किटो, किसी अजनबी की तरह जैसे मच्छर। द ऑथर फर्दर सेड डैट, लेखक ने आगे कहा कि एज्यूमिंग द रोल ऑफ ए जज, एक जज का रोल करते हुए, ही वुड पनिश इट, वह उसे दंड दे सकता है, सजा दे सकता है, विथ डेथ मौत की सजा। जस्टिस डिमांडेड फॉर द सेंटेंस ऑफ डेथ, न्याय की मांग है कि मौत दिया जाए। देयरफॉर द कोर्ट गेव ऑर्डर्स फॉर इट, और कोर्ट इसे ऑर्डर देती है, अर्थात जो यहाँ पे लेखक है वो मच्छर की चालकता पे बहुत ही नाराज़ है और वह मच्छर को दंड देता है सजाए मौत की। अर्थात यहाँ पे जो लेखक है वो जज का रोल प्ले कर रहा है और मच्छर को डिमांड फॉर सेंटेंस ऑफ डेथ, मौत का सजा सुना देता है। तो ये एक्सप्लेनेशन फ्रॉम चैप्टर टू से इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे एकदम अभ्यास कर लीजिए।